कलमना पुलिस थाना हद में शादी की खुशी का माहौल मातम में बदल गया। सोमवार शाम शहर में एक शादी की खुशी का माहौल अचानक मातम में बदल गया, जहां दूल्हा और दुल्हन के मेहमानों में एक मामूली बात को लेकर विवाद छिड़ गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि लोग एक दूसरे के खून के दुश्मन बन बैठे। करीब शाम 7 बजे हुए इस विवाद की परिणति खून खराबे में हुई। रात 9:30 के आसपास एक युवक को धारदार शस्त्र से वार करके उसे मौत के घाट उतारा गया। वही करीब 4 लोग घायल हुए है। मृतक का नाम निखिल कामरे बताया जा रहा है। अमन सेलिब्रेशन लॉन जुना काउंटी रोड कलमना रस्त्याला, त्या ठिकाणी गणेश नंदनवार यांचं लग्न होतं। त्या लग्नामध्ये रात्री 9:30 वाजण्या सुमारास साऊंड सिस्टीमवर दोन्ही नवरदेव आणि नवरीकडच्या लोकांमध्ये नाचण्यावरून वाद झाला। त्या वादामुळे पुन्हा 11:30 ते 12:15 दरम्यान काही इसम आले। दोन्हीकडचे म्हणजे नवरीकडचे आणि नवरदेवाकडचे इसम एकमेकाला भिडले। त्याच्यामध्ये हा निखिल लोखंडे जास्त गंभीर झाला आणि त्याला मेव येथे उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला आणि तसेच असे 4 लोकंसुद्धा त्यात जखमी झालेले आहेत। निखिल लोखंडे हा नवरीकडून त्यांचे नात्यातील नाहीत, ते त्यांचे मित्र आहेत, म्हणजे मुलीकडचे मित्र आहेत आणि त्यांनी त्याच्यात जखमी झालेला आहे। आपण काही संशयित लोकांना आणलेलं आहे, त्याच्यामध्ये त्याचा तपास चालू आहे। कलमना पुलिस थाने के हद में कामठी रोड पर अमन सेलिब्रेशन है। सोमवार को यहां पर नंदनवार परिवार में शादी का जश्न था, जहां खुशी का माहौल था। इसी बीच साउंड सिस्टम लगाकर नाच गाना भी परवान चल रहा था। इसी नाच गाने को लेकर दुल्हा और दुल्हन के मेहमानों के दोनों पक्षों में विवाद छिड़ गया और यह विवाद बढ़ता ही गया, जिसका परिणाम आखिरकार खून खराबे में हुआ। बारात और नाच गाने के समय धक्का लगना ये तो एक आम बात है, पर इसे विवाद और खून खराबा होना यह आम बात नहीं है। तो वही एन मौके पर शस्त्र कहां से आए थे, यह भी एक सवालिया निशान खड़ा हुआ है। फिलहाल इस मामले में 4 संशयितों को कलमना पुलिस ने गिरफ्तार कर तफ्तीश चालू की है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ नितिन शेगांवकर की रिपोर्ट, NBCN न्यूज नागपुर।